ये जानते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये जानते हैं और ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी जानते हैं, जो नॉर्म्स एनडीए गवर्नमेंट के 99-2004 तक थे, वही नॉर्म्स 2004 से 2014 तक भी है। जब सुनिए, क्यों आपने क्या बदले? चुप, ज्यादा बात मत करो। तो ये है बात, ये है बात, बात ये है, नहीं, बात ये है कि जब नॉर्म्स वैसे थे दोनों पीरियड में, तो उस नॉर्म के तहत रिलीफ दिया गया। अब आप नॉर्म्स बदले हैं, जैसा कि आपने बदला, आपने कहा कि स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, इनको भी हम देने का। जब नॉर्म बदलते हैं तो आंकड़े भी बदलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आंकड़े भी बदलते हैं, उसका क्रेडिट आप मत लीजिए। अगर ऐसा लेते हैं तो आपने पिछले एनडीए गवर्नमेंट में क्या किए थे वो भी बोलना पड़ेगा। इसीलिए आप अब क्या मिनिस्टर, आप क्यों बोलते महोदय? प्लीज प्लीज, यस। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिलहाल क्या रिलीफ देने वाले हैं, क्या आप सारे ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में टूर करने वाले हैं, मराठवाड़ा को विजिट करने वाले हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज आपको डायरेक्शन दिया, मालूम है आपको, गुजरात के लिए, बिहार के लिए, दोनों हो गया ना, कितना डिजास्टर मिसमैच मिटिगेशन फंड टू टैकल ड्रॉट लाइक सिचुएशन एंड डायरेक्टेड द एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू होल्ड अ मीटिंग विद इन अ वीक विथ अफेक्टेड स्टेट्स लाइक बिहार, गुजरात एंड हरियाणा टू असेस द कंडीशन। यानी आपको डायरेक्शन आने के बाद आप ये कर रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट है। राधा मोहन सिंह जी, नाउ प्लीज कम। महोदय, हो गया, नाउ इट्स ओवर। आप सब बोलने दीजिए। यस, यू स्टार्ट। मोदी सरकार मैंने कई बार बोला है और मुझको लगता है कि ये हमसे ज्यादा आप लोगों ने अब सुबह शाम मोदी मोदी छोड़ के दूसरा कोई जाप करिए नहीं रहे। हम तो बस थोड़ा कर लिखे हैं। महोदय, कोई नहीं बोल रहा। महोदय, कोई नहीं बोल रहा। प्लीज प्लीज महोदय, ये नॉर्म्स मोदी सरकार ने बढ़ाया है और इसलिए राशि बढ़ी है, इससे हम सहमत हैं। लेकिन बार बार उधर से यदि ये उठाया जाता है कि पैसा कम मिल रहा है, पैसा कम मिल रहा है, ये पैसा जितना चाहिए, जितनी बड़ी आपदाएं आती है हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये बार बार जो बोला जाता है, इसलिए मुझे मजबूरी में बताना पड़ा है। आखिर आप अपना चेहरा खुद नहीं देखते हैं आईना में, तो कोई आईना लेकर तो खड़ा आपके सामने होगा कि आप चेहरा देखिए। महोदय, महोदय, सुप्रीम कोर्ट के विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की चिंता और देश के लोगों की चिंता और सदन की चिंता, सुप्रीम कोर्ट की चिंता सहित ये हमारे 67-68 वर्षों के कर्तव्य का आईना है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ये आईना है और वही आईना है। महोदय, अब आईना है, बैठे बैठे कर्तव्य का आईना है। नो कमेंट्स, यस, ओनली राधा मोहन सिंह स्टेटमेंट विल कम। महोदय, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री ने जल संकट के विषय में विस्तार से बताया है और नदी जोड़ जोड़ना के विषय में भी चर्चा हुई है। एक इस घड़ी में एक फूड जो सिक्योरिटी है, ये भी इस घड़ी में एक बड़ा महत्वपूर्ण महत्व रखता है। अरे भाई, बोलने तो दो यार। अब इसमें आपके ध्यान में हम लाएंगे
कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दृष्टि से जो कुछ हो रहा है, ये पहले 11 राज्य जो था अब तो 33 राज्य हो गया है। मतलब अब 33 राज्य इसके अंदर में आ गए हैं और इस समय 72 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसमें 55 करोड़ इन सूखा प्रभावित राज्यों के लाभार्थी हैं। और महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यों को उनके अनुरोध पर अतिरिक्त खाद्यान्न भी आवंटन किया गया है ताकि कोई भूख से नहीं मरे। अब उत्तर प्रदेश की घटना एक अलग है कि समाजवादी पॉकेट जब हम बांटेंगे, कांग्रेसी पॉकेट, बीजेपी का पॉकेट, तो लोग तो मरेंगे। जब समस्या होती है, यस मिनिस्टर प्लीज प्लीज, हमने बीजेपी की बात की है ना, हमने सर बीजेपी की ही बात की है कि इतनी बड़ी फूड सिक्योरिटी आपने लाया था भाई, सुनो मैं वही कह रहा हूँ, और अब 33 राज्यों में लागू है। और इस सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र ने अतिरिक्त आवंटन मांगा तो उसकी व्यवस्था भी कर दी गई है, और गर्मी की छुट्टियों में भी मिड डे मील की इजाजत दी गई है, उसका अप्रूवल दिया गया है। और उसी क्रम में मैंने कहा था कि ये अन्न का पॉकेट इस घड़ी में मिलना चाहिए, ये बीजेपी का पॉकेट और समाजवादी पॉकेट, ये अन्याय होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को भी, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और मनरेगा के विषय में पूरी चर्चा हुई है, लेकिन पेयजल के मामले में मेरी विनती ये है कि हम सब लोग यहां से अब जाएंगे, आप जब देखेंगे आंकड़े बोलने पर तो बड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन पेयजल की व्यवस्था के लिए जो 1500 का आवंटन था और वो आवंटन अधिकतर राज्यों में देख रहे हैं कि 31 मार्च तक वो मैक्सिमम खर्चा नहीं हो पाया था, फिर भी जो 16-17 का आवंटन चाहिए उसका भी फर्स्ट किस्त रिलीज किया गया है और राज्यों के पास इस मामले में अब पैसा पर्याप्त है। कंटीजेंसी प्लान राज्यों को दिया गया है, अभी 614 जिलों के कंटीजेंसी प्लान, 100 जिलों के थे और 14 जिलों के और बन गए, और जो पुराने थे उनका फिर रिवीजन हुआ और सभी राज्यों को, सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। और सूखा प्रबंधन संबंधी जो अनुसंधान होना चाहिए, उसके जो नतीजे होने चाहिए, उस सारे को इस कंटीजेंसी प्लान में सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है। और इस तरह से आप जब देखेंगे तो चारा के विषय में भी आपके ध्यान में हम लाना चाहेंगे कि एसटीआरएफ से जो पैसे, एनडीआरएफ से जो पैसे गए, और एसटीआरएफ का भी 16-17 का पहला किस्त गया है, तो इसमें पर्याप्त व्यवस्था है कि चारा पर, फिर कैंप पशुओं का लगे उस पर, पेयजल पर, इस मद से भी आप राशि खर्चा कर सकते हैं। और इसके अलावा वो थोड़ा भाई बोलना चाहिए, ये इस गंभीर विषय को हल्का मजबूरी में बनाइए, नेचुरल मत बनाइए। तो ये जो चारा और पेयजल के लिए एनडीआरएफ से जो पैसे गए थे, राज्यों ने मांगा था, 10 राज्यों ने, उसके अंदर भी उसकी व्यवस्था थी, और इस वर्ष का एसडीआरएफ का जो पैसा का फर्स्ट किस्त गया है उसमें भी उसकी व्यवस्था है, और उसके पहले से ही अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम एक चल रहा है, तो उसके लिए भी 14-15 में 100 करोड़ था, 15-16 में 50 करोड़ था, और इस वर्ष भी 100 करोड़ की व्यवस्था हुई है। और राज्यों ने जितना पैसा मांगा, प्रस्ताव दिया राज्यों को गया है, अभी तेलंगाना के कृषि मंत्री जी मिले थे, बातचीत हुई है, और उनका प्रस्ताव जिस समय भी आ जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव भेजना पड़ता है कि कितने ब्लॉक, कितना चारा चाहिए, कितना पशु प्रभावित है, तो चारे की दृष्टि से भी पूरी व्यवस्था यहाँ से है। और ये जो बीज है इस पर भी हम राज्य सहायता देते हैं, अभी खरीफ का समय आएगा, अभी सूखा पड़ता है, तो उसमें भी 50% की वृद्धि कर दी गई है, बीज पर राज्य सहायता है लेकिन उसमें वृद्धि करके 50% कर दी गई है ताकि बीज भी किसानों को आसानी से उपलब्ध हो। अब मुख्य रूप से बुंदेलखंड की चर्चा ज्यादा हो रही है और होना भी स्वाभाविक है, जो दृश्य आ रहे हैं सबकी चिंता स्वाभाविक है। इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि पुराना पैकेज है और इस पैकेज के अंतर्गत 7466 करोड़ रुपए 31/3/15 तक
इस पैकेज के तहत जो पैकेज था 7400 का था, जिसमें 4400 माने 4015 रुपये 31 दिन मार्च तक निर्गत कर दिए गए हैं। अभी भी 21 मार्च 16 को 670 करोड़ नीति आयोग ने रिलीज किया है, उत्तर प्रदेश को 264 करोड़, मध्य प्रदेश को 405 करोड़ और पूरे पैकेज का जो 1244 करोड़ रुपया बचता है इस वर्ष 16-17 में उनको पूरा कर दिया जाएगा। यूपीए चेयरपर्सन बोला, उसके बाद सीएजी मींस करप्शन ऑफ गांधी बोला, ये सब ठीक है, आप इसको मानते हैं? एलिगेशन उन्होंने बोला, एलिगेशन नहीं लगा।